हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सफ़ेद बाल सिर्फ आपकी खूबसूरती को ही कम नहीं करता है, बल्कि आप अपनी उम्र से बूढ़े यानी कि बड़े नज़र आने लगते हैं। पहले टाइम की बात करें तो सफ़ेद बाल का अर्थ अनुभव और उम्र से लगाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसके मायने बदल दिए गए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक के बाल बहुत ही तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। गलत खान पान और लाइफ स्टाइल के कारण बालों के सफ़ेद होने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और 90-95% ऐसे लोग हैं जो कि अपने सफ़ेद बालों को छिपाने के लिए कलर भी करा लेते हैं, लेकिन इससे बाल और भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाले होते हैं और हार्मफुल होते हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप घरेलू उपाय अपनाएं, जिससे आपको नेचुरल काले बाल मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन ले लेना है और उसमें डालना है 1.5 गिलास पानी। तो पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 बड़े चम्मच चाय पत्ती, और साथ में ही इसमें हम डालेंगे 2 लौंग। अब इसकी हाफ क्वांटिटी होने तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, बॉईल करेंगे। देखिए ये अब अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, हाफ हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। हेयर पैक बनाने के लिए हमारा चाय पत्ती का पानी रेडी है। तो अब हमने क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, आप कोई भी लोहे का बर्तन यूज कर सकते हैं। तो जो चाय पत्ती का पानी हमने बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे छान के। तो अब मैं यहाँ पर लगभग 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करूँगी। कॉफ़ी आप कोई भी अच्छे ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने नेस्कैफे ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ की है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि आप रेडी टू मेक कॉफ़ी का सैशे यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें मिल्क भी ऐड होता है। तो ग्राउंडेड कॉफ़ी का आप यहाँ पर यूज़ करिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है। तो अगली चीज़ हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है ये कत्था पाउडर। कत्था पाउडर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या तो फिर आप पान की शॉप से कत्था खरीद सकते हैं और उसको मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच इसमें कत्था पाउडर ऐड कर देंगे। दोस्तों एक और चीज़ जो कि बालों को नेचुरल ब्लैक करती है वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपको बहुत ही ईजिली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा, तो या तो फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो इसमें हम लगभग 2-3 बड़े चम्मच आंवला पाउडर ऐड करेंगे। अब एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि आपके बालों में बहुत ही अच्छा लस्टर मिलता है, बहुत ही अच्छी शाइन मिलती है, और वो है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर आपको बहुत ही ईजिली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर, किराना की दुकान से मिल जाएगा। तो शिकाकाई पाउडर हम इसमें लगभग 1 चम्मच ऐड करेंगे, और अब हमने इसको लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल करना है। देखिए 5 मिनट हो चले हैं, ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। और अब हम इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है मेहंदी। इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो हमारे बालों को नेचुरल कलर देती हैं। आंवला पाउडर, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत पुराने टाइम से आंवला पाउडर का यूज़ होते आया है काले बालों के लिए, ये ना सिर्फ बालों को नेचुरल ब्लैक कलर देता है बल्कि बालों को बहुत अच्छी चमक भी देता है। ये बालों की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। दूसरी जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड करी है वो है कत्था पाउडर। नॉर्मली ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कत्था से रेड कलर आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कत्था से बहुत ही अच्छा डार्क कलर आपके बालों पर आता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपके बालों को कंडीशनर भी करता है और एक अच्छी शाइन देता है और बिल्कुल नेचुरल कलर देता है। इसके अलावा हमने इसमें कॉफ़ी ऐड की है जो कि हमारे बालों को बहुत ही अच्छी शाइन देती है, बहुत अच्छी चमक देती है, साथ ही ये हमारे बालों को नेचुरल कलर भी देती है। और हमने इसमें ऐड किया था मेहंदी जो कि हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है, और साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरल वे से काला बनाता है और हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, ध्यान से कि कोई भी लम्स ना रह जाए, हमने एकदम अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसका। तो ये हमारा हेयर पैक बन करके तैयार है। तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1-2 घंटे भी इसको सोक करके रख सकते हो। 2-3 घंटे अगर आप इसको सोक करके रखोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, मगर अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करके रखोगे तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक करके रखा था, और अब देखिए कितना अच्छा ब्लैक कलर आ गया है इसका, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको ये गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा लुक वार्म वाटर यानी कि थोड़ा गर्म पानी भी मिला सकते हैं,
और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो आप इसमें दही, अंडा या तो फिर लेमन जूस भी मिला सकते हैं। लेमन जूस भी हमारे बालों को बहुत अच्छे से शाइन देता है और कंडीशन करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव हेयर पैक बन करके तैयार है, जो कि आपके बालों को बहुत ही अच्छा कलर देने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह से अपने बालों पर कॉम कर लेनी है, यानी कि जितनी भी उलझन है वो निकाल लेनी है। तो अब आप मेहंदी वाले ब्रश या फिर टूथब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से इस पैक को अप्लाई कर लीजिए अपने हेयर पर। अच्छी तरह से आप इसे रूट्स पर और बालों की लेंथ पर लगा लीजिए। उसके बाद आप जूड़ा बनाकर इसको छोड़ दीजिए। हेयर पैक लगाने के बाद कम से कम आप इसको 1 घंटे जरूर छोड़िए, और अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप 2 घंटे छोड़ दीजिए ऐसे ही। उससे और भी अच्छा कलर आएगा आपके बालों पर। 1 घंटे लगाने से भी आपके बालों पर बहुत ही अच्छा कलर देगा। और उसके बाद जब आप इसको वॉश करोगे तो सिर्फ प्लेन वाटर से ही आपने वॉश करना है अपने हेयर को, आपने शैम्पू नहीं करना है। ये हेयर पैक लगाने से पहले आप शैम्पू कर ले अपने बालों पर, अच्छी तरह से वॉश कर ले और सुखा कर फिर ये हेयर पैक लगाएं। और जब ये सूख जाए तो सिर्फ प्लेन वाटर से ही आपने हेयर वॉश करना है। उसके बाद आप बालों पर अच्छी तरह से ऑयलिंग करिए। बालों में ऑयलिंग करने से आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, रफ नहीं होंगे। और दूसरा, जो हमने कलर किया है, मेहंदी लगाई है, वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। आप ऑयलिंग के लिए सरसों का तेल या तो फिर नारियल के तेल का यूज़ कर सकते हैं मसाज के लिए। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आप इसके लिए नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट देगा ये आपको। और ऑयलिंग करने के बाद आप नेक्स्ट डे अपने बालों पर शैम्पू करिए और फिर देखिए कितना अच्छा डार्क कलर आता है आपके बालों पर। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों पर बहुत ही अच्छा डार्क कलर मिलेगा। और धीरे धीरे आप जब इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते जाएंगे, वीक में जब आप इसको एक बार रिपीट करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपके बालों का जो कलर है वो नेचुरली डार्क होता जाएगा, ब्लैक होता जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है, कितना ईजी है इस हेयर पैक को रेडी करना। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ना ही हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर का यूज़ करा है। और बहुत ही अच्छा डार्क कलर ये आपके बालों को देता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इससे बेहतर और कोई भी तरीका नहीं है आपके बालों को नेचुरली कलर करने का। आई होप गाइस, आप सबको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें, साथ में ही शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अच्छी और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।